अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग, शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर वीवो की दो डिवाइसेस को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। पहली डिवाइस हमारे पास वीवो V19 आ जाती है और दूसरी डिवाइस अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है वीवो V20 के नाम से। इन दोनों डिवाइसेज को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड देखने को मिल रही हैं और आपको वीवो V20 की तरफ अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओवरऑल वीवो V19 के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, तो कंपेयर करके देख लेंगे कौन सी डिवाइस में वैल्यू फॉर मनी देखने को जाती है। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सके। तो दोस्तों लॉन्च डेट के वाले से बात कर लीजिए, तो वीवो V19 आपको अप्रैल 2020 के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आ गया था, जबकि अब सितंबर के बाद वीवो V20 को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइस के ओवरव्यू पे। बॉडी डायमेंशन की बात कर लें तो 161 मिलीमीटर की आपको हाइट वीवो V20 के अंदर, जबकि 159 मिलीमीटर की आपको हाइट वीवो V19 के अंदर देखने को मिल जाती है। 74.2 मिलीमीटर आपको विड्थ वीवो V20 के अंदर, जबकि 75 मिलीमीटर की विड्थ आपको वीवो V19 के अंदर देखने मिल जाती है। 7.4 मिलीमीटर की थिकनेस आपको वीवो V20 के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि काफी यहां पे स्लिम डिजाइन रखा गया है, जबकि 8.5 मिलीमीटर की आपको थिकनेस वीवो V19 के अंदर देखने को मिल गई थी। वेट के हवाले से बात कर ली जाए तो 171 ग्राम का वेट आपको वीवो V20 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि पहले की निस्बत 186.5 ग्राम का वेट आपको वीवो V19 के अंदर देखने को मिल गया था। तो इस दफा वेट को भी काफी ज्यादा कम किया गया है। ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ड्यूल सिम स्टैंड भी आपको दोनों डिवाइस के अंदर सेम देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर डिस्प्ले के वाले से बात कर लिया तो 6.44 इंचेस का आपको एमोलेड डिस्प्ले वीवो V20 के अंदर देखने को मिल रहा है, जबकि 6.44 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको वीवो V19 के अंदर देखने को मिल गया था। इसके अंदर आपको 1200 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल गया था। HDR10 की भी सहूलत दी गई थी, जबकि वीवो V20 के अंदर आपको ब्राइटनेस लेवल और HDR10 वगैरह को मेंशन किया हुआ नहीं नजर आ रहा। इसके अलावा 1080p की रेजोल्यूशन आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। 409 की PPI डेंसिटी आपको Vivo V20 के अंदर, जबकि 409 की ही PPI डेंसिटी आपको Vivo V19 के अंदर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो Android 11 आपको Vivo V20 के अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिल रहा है, जबकि फन टच OS आपको 11 ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा Vivo V19 के अंदर आपको Android 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिला था, अभी तक इसके अंदर Android 11 की अपडेट नहीं आई। और इसके अलावा फन टच OS आपको 10 ही यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। मजीद यहाँ पे कुछ अपडेट्स निकल के आएंगे तो यहाँ पे भी अपग्रेड हो जाएगा। चिपसेट के हवाले से अगर यहाँ पे कंपेयर कर ली जाए तो Qualcomm Snapdragon 720G आपको Vivo V20 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड रखा गया है, जबकि Vivo V19 के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 712 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 10 नैनोमीटर पर बेस्ड रखा गया था। दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जबकि Adreno 616 आपको Vivo V19 में, जबकि Adreno 618 का GPU आपको Vivo V20 के अंदर अपग्रेड देखने को मिल जाता है। रैम और रोम के वेरिएंट की बात कर लिया तो 8GB 128GB वाले वेरिएंट आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाते हैं, Vivo V20 हो या फिर Vivo V19, जबकि UFS 2.1 आपको Vivo V19 के अंदर मेंशन किया हुआ देखने को मिल जाता है, जबकि Vivo V20 के अंदर इसको मेंशन नहीं किया गया। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट की बात कर लिया तो दोनों के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कैमरा की बात कर लिया तो 64 MP का मेन सेंसर आपको एफ अपर्चर 1.9 के साथ Vivo V20 के अंदर देखने को मिल जाता है, जबकि 48 MP का एफ अपर्चर 1.8 के साथ वाइड कैमरा Vivo V19 के अंदर प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाता है, जबकि 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको Vivo V20 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जबकि Vivo V19 के अंदर आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। यानी क्वाड कैमरा सेटअप Vivo V19 के अंदर रखा गया था, जबकि Vivo V20 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। 64 MP को यहाँ पे इनहेंस किया गया है 48 MP से। ड्यूअल LED फ्लैश आपको Vivo V20 के अंदर, जबकि सिंगल LED फ्लैश लाइट आपको Vivo V19 के अंदर देखने को मिल जाती है। HDR पैनोरामा के फीचर्स मिल जाते हैं। 4K की वीडियो आप 30 FPS पे दोनों कैमरास के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 1080p की वीडियो आप 30 और 60 FPS पे दोनों कैमरास के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन अब दोनों कैमरास के अंदर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा की बात कर लिया तो 44 MP का F/2.0 के साथ वाइड सेल्फी कैमरा Vivo V20 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉच वाला डिस्प्ले रखा गया और नॉच के अंदर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। जबकि अगर Vivo V19 की बात कर लिया तो 32 MP का F/2.1 के साथ मेन कैमरा लेंस, जबकि 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको फ्रंट कैमरा के अंदर देखने को मिल जाता है। ड्यूअल पंच होल सेल्फी कैमरा
आपको वीवो वी 19 के अंदर प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि वीवो वी 19 आपको बेहतर देखने को मिल रहा है वीवो वी 20 से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन ओल्ड हो चुका है। दोनों के अंदर HDR के फीचर्स मिल जाते हैं, 4K की वीडियो आप 30 फ्रेम पर सेकेंड पे वीवो वी 20 के कैमरा के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 1080p की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकेंड पे आप वीवो वी 19 के कैमरा के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप ड्यूअल पंच होल सेल्फी कैमरा को पसंद करेंगे या फिर 44 मेगापिक्सल का एक ही सेल्फी कैमरा और वो भी नॉच के अंदर रखा गया, तो आप किसको पसंद करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा साउंड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो आपको वीवो वी 20 के अंदर थोड़ी सी साउंड क्वालिटी बेहतर देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाएगा। वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और टाइप सी की केबल आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाएगी, जबकि इंफ्रारेड आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर नहीं देखने को मिल जाता। इसके अलावा FM रेडियो आपको वीवो वी 20 के अंदर प्रोवाइड किया गया, जबकि वीवो वी 19 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। NFC आपको वीवो वी 20 के अंदर देखने को मिलेगी, जबकि NFC आपको वीवो वी 19 के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई थी। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लिया तो आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल रहा है। बैटरी की बात कर लिया तो 4000 mAh की बैटरी आपको वीवो वी 20 के अंदर प्रोवाइड की गई है, जबकि वीवो वी 19 के अंदर इससे पहले 4500 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पे बैटरी को थोड़ा सा कम कर दिया गया, 500 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर 33 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, जिसके साथ आपको वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 की सहूलत भी दी गई है। टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे वीवो वी 20 के अंदर 500 mAh बैटरी कम रखी गई है, इसकी मुझे रीजन का नहीं पता, लेकिन आप अगर ज्यादा बैटरी की तरफ जाना चाहते हैं तो वीवो वी 19 को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स की बात कर लिया तो सनसेट मेलोडी, मिडनाइट जैज और मूनलाइट सोनेटा आपको तीन कलर वीवो वी 20 के देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा शाइनी लुक में आ चुके हैं और काफी ज्यादा डिस्प्ले के हवाले से काफी ज्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा माइस्टिक सिल्वर और पियानो ब्लैक आपको दो कलर वीवो वी 19 के अंदर प्रोवाइड किए गए थे। दोनों के अंदर आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, वेट थोड़ा सा कम आपको वीवो वी 20 का देखने को मिलेगा। आपको डिजाइन भी यहाँ पे काफी डिफरेंट देखने को मिल रहा है, वीवो वी 19 का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल गया था, जबकि यहाँ पे कुछ बैक साइड पे कैमरा के अंदर चेंजेस की गई और इसके अलावा आपको शाइनी लुक बैक साइड पे कलर्स काफी सारे भर दिए गए हैं। तो आपकी चॉइस है आप कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहेंगे। दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लिया तो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स वीवो वी 20 के 274,000 प्लस देखने को मिल जाते हैं, जबकि अगर यहाँ पे वीवो वी 19 की बात कर लिया तो वहाँ पे आपको 218,000 प्लस की स्कोरिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे स्कोरिंग के हिसाब से थोड़ा सा आगे निकल रहा है वीवो वी 20, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। गीक बेंच स्कोरिंग की बात कर लिया तो सिंगल कोर स्कोर आपको 418 देखने को मिल जाते हैं वीवो वी 19 के, जबकि 1592 का स्कोर आपको मल्टी कोर स्कोर के अंदर देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो वी 20 के अंदर आपको 450 प्लस के सिंगल कोर स्कोर मिल जाते हैं, जबकि 1600 प्लस की स्कोरिंग आपको मल्टी कोर स्कोर के अंदर देखने को मिल जाती है। VFX बेंच की बात कर लिया तो वीवो वी 19 की स्कोरिंग आपको ऑन स्क्रीन 13 FPS मैक्सिमम देखने को मिल जाती है, जबकि वीवो वी 20 के अंदर आपको 15+ की FPS रेटिंग ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी काफी सारा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था कंपैरिजन वीवो वी 19 और वीवो वी 20 के हवाले से। दोनों की प्राइसेस आपको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सेम देखने को मिल जाती है, 60,000 ग्राउंड बोर्ड आपको दोनों की प्राइस देखने को मिल जाती है, ऑफलाइन मार्केट्स के अंदर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तो ये था कंपैरिजन वीवो वी 19 और वीवो वी 20 का, उम्मीद है आपको काफी यूजफुल लगा होगा। आप कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अनबॉक्सिंग नए टेक रिव्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, शहजाद टेक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।